आज हम लोग सर्वांग आसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इससे क्या फायदे हैं और इसे कैसे किया जाता है। जैसे कि नाम से ही विदित है, सर्वांग आसन अर्थात सर्व अंगों का आसन है ये। इससे समस्त शरीर को फायदा पहुंचता है। शरीर में जितने भी अंग हैं उन सारे में इस आसन को करने से फायदे पहुंचते हैं। अर्थात आप इस आसन को कर लेते हैं तो हर दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से भी आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। तो आइए चलते हैं कि सर्वांग आसन कैसे किया जाता है। सर्वांग आसन करने से पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, डायरेक्ट सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए। जैसे आप कमर पहले मोड़ लीजिए बाएं दाएं, अल्टरनेट रोटेट कर लीजिए, शरीर को थोड़ा लचीला बना लेना है, स्ट्रेचिंग कर लेना है, ट्विस्ट भी थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग भी कर लेना है थोड़ा पैरों को। इतना करने के बाद कैसे आसन किया जाता है, सबसे पहले हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों इंगलियों को यहां रखेंगे, एड़ी सटाएंगे, पंजे सटाएंगे। सटाने के बाद डायरेक्ट सर्वांग आसन में नहीं चले जाएंगे, बल्कि इस आसन से जुड़े हुए जो अंगों का यूज है उसका कुछ एक्सरसाइज शुरुआत में करेंगे। जैसे देखिए आसन ये बिल्कुल स्लोली करना है, इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज को भी आस्ते आस्ते करना है। अभी मैं आपको सिर्फ सर्वांग आसन में जो जिस अंगों का यूज ज्यादा है उसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूं। अब हम चलते हैं सर्वांग आसन की पूर्ण विधि कैसे है, कितने पैर पे चाहिए और कैसे करना है उसके बारे में आप देखिए। सर्वांग आसन, सो जाना है, सोने के बाद एड़ी पंजा अंगूठा आपस में सट जाए, दोनों हथेलियां जमीन पे चिपकी हुई रहे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पैर को पहले उठाना है। इस डिग्री में ले जाइए, फिर 60 डिग्री लाइए, फिर 90 डिग्री और फिर इसको आप बिल्कुल पीछे पैरों की तरफ सजाइए। यहां आने के बाद आप ये सर्वांग आसन के पूरे 90 डिग्री पर पैर सीधा चला जाए, ये सर्वांग आसन की पूर्ण स्थिति है। इस आसन में आप 30 सेकेंड कम से कम रुकना है आपको, शुरुआती दौर में 30 सेकेंड से ज्यादा करना भी नहीं है। जब आपका अभ्यास हो जाए तो उससे 30 सेकेंड से बढ़ाकर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक भी ले जा सकते हैं।
इतना करने के बाद डायरेक्ट पैर को नीचे नहीं ला रहा है, बल्कि पहले पैर को पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाएंगे, हाथ को इधर लाएंगे, फिर हाथ कमर लगाएंगे, फिर पैरों को नीचे आस्ते आस्ते लाएंगे और फिर इतना आसन करने के बाद आस्ते से कमर को जमीन पर रखेंगे, फिर पैर को सीधा करेंगे। एक बार पुनः देखिए सर्वांग आसन। इसमें कंधे के बल पे आपकी शरीर 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सर भी आपका जमीन से सटा हुआ रहेगा। जिन्हें सर में कुछ दिक्कत हो रखेंगे तो नीचे आप एक तौलिया भी बिछा के मोड़ के रख सकते हैं। यहां 30 सेकेंड आपको रुकना है शुरुआती दौर में, फिर पैर को थोड़ा पीछे ले जाना है जब आसन से वापस आते हैं तो। फिर हाथ को हटाना है, फिर जब नीचे आए तो हाथ पे सपोर्ट देना है, पैरों को मोड़ना है और फिर दोनों पंजों को जमीन पे लगाने की कोशिश करना है। जब इतना सट जाए तो फिर कमर को आस्ते से जमीन पर रखना है, पैर सीधा रखना है और ये आसन करने के बाद आप 30 सेकेंड या 20 सेकेंड तक श्वसन की स्थिति में चले जाइए, शरीर को रिलैक्सेशन कर लेना है यहीं पे। एक बार पुनः मैं अभ्यास के तौर पर आपको कह रहा हूं, ठीक से देखिए सर्वांग आसन। यहां पे आप आंखें खोलकर अंगूठे को देख सकते हैं या आंखें बंद ही कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम आपको जिसमें आराम पहुंचे, रिलैक्सेशन हो, वो काम करना है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल ढंग से सामान्य ढंग से चलता रहेगा। फिर श्वसन, यदि आप श्वसन नहीं करना चाहें तो खड़े होकर 20 सेकेंड स्थिर भी रख सकते हैं। यह 20 सेकेंड खड़े होकर इसलिए रहना चाहिए ताकि शरीर का संतुलन आपका बना रहे, बिगड़े नहीं, अचानक कोई एक्टिविटी शुरू नहीं कर देना चाहिए। यदि इस तरह से ये सर्वांग आसन था, यदि आप इस आसन को प्रतिदिन 30 सेकेंड से शुरुआत करें और आहिस्ता आहिस्ता 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक ले जाएं, तो आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। इसलिए ही इस आसन को सर्वांग आसन को सभी योगों की मां का दर्जा मिला हुआ है। और इसके क्या क्या लाभ है आप नीचे देखिए। धन्यवाद।